ट्वीट एक, रिएक्शन अनेक और होना भी है क्योंकि जो वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, कोई भी बात, कोई भी ट्वीट इतना अनसुना नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। व्यापक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उससे हम आपको मिलवा देते हैं। अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता सपा से हैं, साध्वी गीतंबरा तीर्थ है, पीठाधीश्वर मातृ छाया शक्तिपीठ से आपका स्वागत है, मौलाना नदीम अहमद है, इस्लामिक स्कॉलर है, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं जो इस पूरी खबर पर बड़ी डिटेल के साथ नजर बनाए हुए हैं। देखिए, हम साध्वी गीतंबरा तीर्थ जो पीठाधीश्वर है मातृ छाया शक्तिपीठ से आपसे जानना चाहेंगे गीतांबा जी कि आप इस ट्वीट को किस तरीके से देखती हैं और आपके जैसे तमाम जो संत होंगे वो कैसे देखेंगे इसे? स्नेहलता जी, जी मैं और मेरा संत समाज काशी के जितने भी दंडी सन्यासी हैं, हम इन इस ट्वीट का स्वागत करते हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे काशी का कुछ उद्धार हुआ, लेकिन अभी भी मस्जिद जो है वो चिढ़ा रही है। और देखिए हमारे यहाँ क्या है कि ज्ञान शब्द जो है वो हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, वापी कुआं है ये भी हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, यहाँ मस्जिद कहाँ से आ गया? तो जाहिर सी बात है ये मस्जिद जो है वो मुसलमानों ने जबरदस्ती लिया है, उनको हमें दे देना चाहिए। और इससे ज्यादा दर्दनाक अगर देखा जाए तो मथुरा है हमारे लिए। हमारे यहाँ स्नेहलता जी 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारातीश, सप्तता, मोक्षदायिका, ये मोक्षदायी नगरी है हमारी। और यहाँ इन लोगों ने जो हमारे जमीन पर कब्जा किया, हमारे मंदिरों पर कब्जा किया, हमारे धर्म को गिराने की कोशिश किया, गिराया भी, तो अब अगर उद्धार के लिए कोई सामने आ रहा है तो हम लोग तो बहुत खुश है। मौलाना नदीम जी स्वागत करते हैं, मौलाना नदीम हमारे साथ जुड़े हैं और एक बार उनका भी रिएक्शन लेंगे। गीतांबा जी उनसे पूछते हैं, मौलाना जी ये जो बात कह रही गीतांबा जी ज्ञान व्यापी को लेके, कितना आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, कितना सहमत हैं आप? देखिए ज्ञान व्यापी के इतिहास के बारे में अगर आप जाएंगे तो वो औरंगजेब के ज़माने में बनी मस्जिद है और वहाँ के एक विवादित मामले थे जो वहाँ का उस वक्त का जो बादशाहत के दौर का एक गवर्नर था, उस गवर्नर ने वहाँ की एक बच्ची के साथ गलत काम करना चाहा और उसके लिए औरंगजेब वहाँ आके अपने गवर्नर को सजा देते हैं। उस परिवार, उस ब्राह्मण परिवार ने उनकी नमाज़े शुक्राना की जगह को आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी वक्त की कमी को समझते हुए इस संपत्ति को और देखिए ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हर एक चीज के पीछे एक तथ्य है और आप ये कह रहे हैं ये देश संविधान से चलता है। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस के लिए हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया, स्वीकार करिए ना, हमें इजाजत दे रहा है। मथुरा देखिए अयोध्या के जजमेंट, अयोध्या का जजमेंट नहीं, मंदिर बनाने की बात नहीं, यहाँ संविधान कर लीजिए, हम आपसे मक्का थोड़ी मांग रहे हैं, अयोध्या के जजमेंट को इस पे नहीं लगा सकते, तो आपसे मांग रहे हैं मक्का में मंदिर बनाने नहीं जा रहे हैं, हम अपना काशी मांग रहे हैं, काशी में हमारा बस मस्जिद हटा लीजिए, मेरा तो सब ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, भाई काशी में जो मस्जिद बनी है इस देश के संविधान आने से पहले, और संविधान में ये चीज के लिए कहा गया है कि जो जिस चीज धर्म नगरी होगी वो औरंगजेब की वजह से बना है। और उस मस्जिद को किस दौर में बना, अगर आप औरंगजेब को मानते हैं एक दौर था, उसका इतिहास आपके बनारसी में रखा गया है। देखिए इस ट्वीट का असर ही देखा जा सकता है, आप लोगों को रोना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि देखिए जिस एक ट्वीट के बाद दोनों धर्म से जो लंबी हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं वो साफ तौर पे आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ट्वीट के बारे में जल्दी से बताइए। हाँ, ट्वीट आज चुनाव नजदीक आ गया है, आपको आ रहा आज डिप्टी सीएम, आज केशव जी डिप्टी सीएम क्यों है? इस देश के संविधान की वजह से है। अगर वो संविधान को नहीं मान रहे हैं, इस देश के संविधान को सम्मान नहीं, अनुराग भदौरिया के पास जाएंगे। अनुराग भदौरिया, ये जब ट्वीट सामने आया और दो धर्म से जुड़े लोगों के दिमाग में सबसे पहला आतंक शब्द जो है, जी जी अब मैं बात कर लूं, आगे बढ़ जाऊं, आपको फिर मौका देंगे। नदीम जी आप जो कहना चाह रहे हैं उसका लबो लुआब अब शायद अब सियासतदानों को देने दीजिए, क्योंकि उनकी तरफ से ये ट्वीट आया है उसका असर क्या है ये हमने अभी चैनल पर देख लिया, समझ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? देखिए आप भी समझ रही है, हम भी समझ रहे, पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है, जिस तरह से कोविड काल में लोग यहाँ तड़प तड़प के मरे हैं, जिस तरह से यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से पूर्वांचल में समाजवादी रथ चला, भारतीय जनता पार्टी का फूल धूल में उड़ गया और उसके पंखुड़ी बिखर गए,
आज वही इनका पुल जो दुनिया को पुल बना रहा था वो खत्म हो चुका है। वही आज देखो आप बुंदेलखंड में किस तरह का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का लाजमी है बौखलाहट होना, लाजमी है परेशान होना, जनता की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करना। और जहां तक आप लोग भी ऐसे लोगों को आप तजुब देना बंद कर दीजिए, आप भी तो चला रही ना, देखिए क्या ट्वीट कर दिया, आप चलाइए ना महंगाई, आपकी रैली भी तो चल रही है ना, आप तो बात बात पे चैनल के ऊपर आ जाते हैं, आप इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हैं, वही थोड़े ना दिखा सकते हैं, आप चलाइए महंगाई बेरोजगारी कहां नहीं चल रहा है, हर जगह चल रहा है, आप एबीपी गंगा को देखते हैं ना, आपको तो पता ही होगा किसानों की मौतें हो गई, सारी रिपोर्टिंग हमने ग्राउंड से करी, ये तो बात नहीं हुई। अरे आप मुझे बोले दीजिए, आप मेरे बीच मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, अगर आप अपनी बात, अगर आप मीडिया पे बोलेंगे तो मैं भी आपसे बोलूंगा, सब मीडिया कोई आप पे अकेला नहीं बोल रहा, सुनने नहीं सुना तो इसके मतलब आप दादागिरी करना चाहेंगे, आप जो बोलेंगे हम सुने, हम बोलेंगे आप नहीं सुनेंगे, तो हटिए फिर हम जनता की समस्या की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में जनता किस तरह से करहा रही है महंगाई बेरोजगारी, आज क्या यहाँ पे डीजल पेट्रोल का भाव है, किस तरह से महंगा है, किस तरह से यहाँ पे रोजमर्रा की चीजें महंगी है, चाहे टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, क्या नहीं महंगा है, लोग करहा रहे हैं, उसके बारे में ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ चुनावी सबको का छोड़ना चाहती, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है वोट के माध्यम से ऐसा तमाचा मारेगी कि ट्यूट भी इनका गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएंगे, बाद में सब दिखाई पड़ेंगे आपको जनता के सामने भीख मांगते हुए कि मुझसे गलती हो गई, आप क्या कर रहे हैं, आप तो विपक्ष, हम तो कह रहे हैं आप विपक्ष में बैठने के लिए कम से कम इतनी लायक तो रहिए कि विपक्ष में बैठ पाए, आप मुझे लगता है वो काम कर रहे हैं जो विपक्ष में भी रहने लायक नहीं बचेंगे, हम तो आपको विपक्ष में भी देखना चाहते हैं, कम से कम विपक्ष में रहिए, आप दो चार सीट लागे तो विपक्ष में भी नहीं बैठ पाओगे, इसलिए आप जो बुंदेलखंड की भीड़ देख के, पूर्वांचल की समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा का भीड़ देख के जो आप परेशान हो गए, बौखला गए, आपको तो पैदल कर दिया गया, आपके मुख्यमंत्री तो पैदल पैदल दौड़ रहे हैं पीछे पीछे उसी एक्सप्रेस वे पे जहाँ पे समाजवादी पार्टी के रास्ते तो चल रहे हैं, तुम आगे पीछे अनुराग जी मुख्यमंत्री चल रहे थे उनके पीछे पीछे कोई नहीं था, तो ये हालत उत्तर प्रदेश में हो गई है कि मुख्यमंत्री को भी अकेले छूट गए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जान गए कि इनसे कुछ हो ना पाएगा, ये पब्लिक है सब जानती है, लेकिन इस ट्वीट को लेके तैयार हो चुकी है, इस ट्वीट को लेके किस तरीके का माहौल बन सकता है यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेश बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं, लोगों के मन की बात हो या आपके मन की बात हो, हम इस वक्त सब भांपने की कोशिश में है, वीरेश के पास चलेंगे, वो अच्छे से समझाएंगे। वीरेश क्या लगता है, ये जितने आसानी से मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया जा रहा है इसमें दम है, या फिर इस ट्वीट को लेके फिर से औरंगजेब से लगाए मथुरा तक बात आगे बढ़ जाएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को धार देने की कोशिश में है और अपने ट्रैप में, अपनी पिच पर, अपनी जो सुलभता है, सहजता है और जो ताकत है उस पर सबको खिलाने के लिए आदी रही है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 40 दशक तक अयोध्या के पिच पर, जो उसकी सबसे मुफीद सबसे मजबूत पिच रही है, उस पर लोगों को खिलाती रही है, विपक्ष को खिलाती रही है, अब अयोध्या और काशी में निर्माण का कार्य जारी है और अब मथुरा की बारी है। इसके कई मायने हैं, पहले मायने में यह है कि तुझे मिर्ची लगी, तो मिर्ची लगते हुए क्रिया प्रतिक्रिया आपने देखा होगा, वो गाना भी सुना होगा, तो मैं क्या करूं मिर्ची लगी, तो मिर्ची की क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है और जिसको आप सुना रही हैं, और आपके पूछने पर अनुराग भदौरिया जी बहुत नाराज हो रहे थे, कुछ कह रहे थे, कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और अन्य लोगों को खिलाना चाह रही थी, वो खिलाने में अब सफल होती दिख रही है, क्योंकि हिंदुत्व उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, सबसे मजबूत पिच पर है, और उस पिच पर, उस ध्रुवीकरण पर आकर जो खेला है वो चारों खाने चित्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की एक ब्रिगेड नहीं है, एक नेता नहीं है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल रैली या पदयात्रा या सामाजिक यात्रा या बस यात्रा, रोड शो नहीं करते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी फौज के तरह काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को कोई ना कोई टास्क दिया जाता है, कोई ट्विटर के जरिए बात करता है, कोई सड़क के जरिए बात करता है, कोई जमीन पर उतर बिल्कुल कर बात करता और, है, और ये रणनीति अगर विपक्ष भांप पाएगा तभी उसकी धारदार जवाबदेही बन पाएगी, और देखते हैं कि अब इस पर सियासत कितनी आगे बढ़ेगी। ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना